Hello everyone. In this video, we will see CSS text. So let's start with text color. I will run one program and we will see the output of that. Saved it. So अभी हम लोग देखेंगे कि जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से आउटपुट क्या आ रहा है. जो लाइन्स है HTML कोड्स है वो मैंने बॉडी में लिखा हुआ है. दिस इज हेडिंग वन. सो दिस इज हेडिंग वन. ये पैराग्राफ टैग में कुछ लिखा हुआ है और बाद में एक तीसरा पैराग्राफ लिया हुआ है. दिस इज ग्राफ पैराग्राफ वन विद क्लास एक्स. दिस इज टेक्स्ट इज ब्लू. सो इसको क्लास क्या दिया है मैंने? ई एक्स दिया हुआ है. क्लास ई एक्स टैग दिया हुआ है. ई एक्स टैग दिया मतलब हम लोग समझेंगे इसको. तो अभी इन सबको मैंने जो फॉर्मेटिंग की है, जो इफेक्ट्स दिए हैं मैंने, वो स्टाइल टैग में दिया है. सीएसएस यूज किया हुआ है. तो इस टाइप का मतलब जो हम लोगों ने जिस पेज में बॉडी लिखा हुआ है उसी पेज में अगर हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं या सीएसएस का सीएसएस लिखते हैं तो उसको हम लोग एम्बेडेड सीएसएस बोलते हैं. तो ये जो है अभी बॉडी का हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कलर दिया हुआ है रेड. मतलब बॉडी का बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये फॉन्ट कलर है. मतलब बॉडी के अंदर मैं कहूंगा बाई डिफॉल्ट उसका रेड कलर होगा. अगर हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक कोई कलर दिया है तो वो होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उसकी कलर जो रहेगी वो रेड की रहेगी. अभी H1 में जो मैंने लिखा है दिस इज हेडिंग वन, वो क्या रहने वाला है हमारा? तो उसका जो कलर दिया है वो क्या दिया हुआ है? इस टाइप का कलर दिया हुआ है उसको मैंने, फॉन्ट कलर. इसलिए दिस इज हेडिंग वन जो आ रहा है वो इस टाइप के फॉन्ट कलर से आ रहा है. वो बाद में क्या है, वो पी पैराग्राफ टैग है एंड उसके साथ मैंने एक्स क्लास को कंबाइन किया हुआ है. सो पी पैराग्राफ टैग का कौन सा? ये वाला. उसके अंदर एक्स जो हमारा ई एक्स जो क्लास है उसका जो कंटेंट है उसका जो कलर होगा वो क्या होगा? ब्लू होना चाहिए. तो ये जो है हमारा दिस इज पैराग्राफ विद एक्स क्लास एक्स, ये स्टेटमेंट जो है हमारा पूरा ब्लू में. क्यों? क्योंकि ये आर है, ये जी है और ये क्या है? ब्लू है. तो ये जो है पूरा का पूरा सेंटेंस ये हमारा ब्लू हो जाएगा. उसके बाद हम लोगों ने कुछ इफेक्ट नहीं दिए तो जो लाइन बच गया हमारा ये वाला और ये वाला वो रेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉडी का बाय डिफॉल्ट कलर जो है, फॉन्ट कलर जो है वो क्या है? वो रेड है हमारा. सो ये एक प्रोग्राम है. दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग. लेट्स सी क्या है ये. तो इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, तो जो हम लोगों ने कंटेंट लिखे है वो हमारे बॉडी के अंदर लिखा हुआ है हम लोगों ने. उसमें H1 में कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग में. यहाँ पे क्लास दिया है डेट, इस पैराग्राफ टैग को क्लास दिया है मेन और उसके अंदर ये सारे कंटेंट्स है. तो अभी अगर एच वन कंटेंट को देखो आप तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब इसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा है ये जो कंटेंट है एच वन में सी एस एस टेक्स्ट अलाइन एग्जाम्पल, ये सेंटर में आना चाहिए. तो ये सेंटर में आ रहा है. बाद में पैराग्राफ टैग के अंदर जो मैंने क्लास दी है डेट, डेट क्लास को मैंने क्या किया हुआ है? मई 2009 ये जो दिया हुआ है ये क्या है? तो पी डॉट डेट. डॉट डेट मतलब जो क्लास है हमारा डेट, कौन सा वाला? तो जो पैराग्राफ टैग में यूज हुआ है. तो ये पैराग्राफ टैग में यूज हुआ है उसको टेक्स्ट अलाइन राइट करो. मतलब जो कंटेंट है ये मई 2009 उसको राइट साइड में ले लो. तो वो हमारा राइट साइड में आ गया. ठीक है. इसके अलावा पी क्लास में मेन जो है वेब डिजाइन इज द क्रिएशन ऑफ वेब पेज एंड साइट यूजिंग HTML CSS JavaScript, ये कंटेंट जो है ये मेन क्लास के अंदर है. सो मेन क्लास के अंदर जो है उसको जस्टिफाई करो. जस्टिफाई कैसे करने का? इस वजह से जस्टिफाई करने का. तो ये हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा. तो जस्टिफाई हो गया है वो. थर्ड देखते हैं हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी.
अभी इसका आउटपुट चेक करेंगे हम लोग। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, तो यहाँ पे जो मैंने हेडिंग एच वन दिया हुआ है उसको क्या बोला है, उसके ऊपर ओवरलाइन आना चाहिए, उसके ऊपर ओवरलाइन आ रहा है। सिंपल है ये, एच टू दिस इज हेडिंग टू, तो लाइन थ्रू, लाइन थ्रू मतलब सो लाइन थ्रू उसके थ्रू गया हुआ है। एच थ्री का जो कंटेंट है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, एच फोर को ब्लिंक किया हुआ है। एच फोर का आजकल जो ये कंटेंट है ब्लिंक को हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको लोड करता हूँ। तो वो ये जो प्रोग्राम था उसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मींस अपर केस लोअर केस एंड कैपिटलाइज। तो सिंपल है, ये भी कॉपी किया प्रोग्राम, यहाँ से पेस्ट किया, सेव किया हम लोगों ने। अभी जब हम लोग उसको सेव करेंगे, इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, तो किसका है ये, सो अपर केस जो है पी पैराग्राफ टैग में दिस इज सम टेक्स्ट, तो इसको ये इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट किया हुआ है। दिस इज सम टेक्स्ट, ये लोअर केस में है, तो इसको लोअर केस में रख दिया पूरा का पूरा। जो इवन टी जो कैपिटल में था उसको भी लोअर केस में कर दिया है। एंड पी डॉट कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, मतलब इसमें क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट है इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल है। तो कैपिटलाइज का मतलब होता है फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल कर देगा उसको। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, टेक्स्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन What is this? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट लिखा है उसको टेक्स्ट इंडेंट दिया हुआ है 50 का। तो यहाँ पे इंडेंट का मतलब स्पेस कितना छोड़ेगा वो स्टार्टिंग में। अगर मैंने इसको अभी 50 दिया हुआ, 50 पिक्सल, इसको अगर 100 किया हमने तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा इतना। अगर उसको मैंने और किया तो और आएगा वो। वो और आएगा, इस वजह से इतने सारे हैं उसके अंदर। तो ये टेक्स्ट इंटेंडेशन होता है। अभी स्पेसिंग का देखते हैं हम लोग, स्पेसिंग का कैसे होगा। तो इसको हम लोगों ने सेव किया, इसका आउटपुट चेक करते हैं, बाद में हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। सो दिस इज हेडिंग वन एंड दिस इज हेडिंग टू, सो हाउ इट इज कमिंग। तो यहाँ पे जो हेडिंग वन है एच वन टैग के अंदर, उसको स्पेसिंग कितना दिया है 2 पिक्सल का, तो हर इसके बीच में स्पेसिंग जो आ रहा है वो 2 पिक्सल का आ रहा है। और नीचे जो है लेटर स्पेसिंग वो -3 पिक्सल का है, तो 3 पिक्सल का मतलब दिस इज हेडिंग टू, उसके बीच की स्पेसिंग है वो -2, मतलब आपस में चिपके हुए जाता है वो। सो दिस इज टेक्स्ट स्पेसिंग, उसका जो सिंटेक्स है वो क्या, लेटर स्पेसिंग कॉलन 2 पिक्सल, तो स्पेस ज्यादा होगा, अगर नेगेटिव किया तो स्पेस कम होगा उसके बीच में। नेक्स्ट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको अभी पेस्ट किया, सेव किया, तो यहाँ का जो कंटेंट है डायरेक्शन RTL दिया है मैंने इसको, मतलब क्या हुआ, तो
ये यहाँ पे है और ये वाला जो कंटेंट है सम टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, ये उस साइड आ गया। सो आरटीएल मींस उसका डायरेक्शन चेंज करने का। नेक्स्ट इज लाइन हाइट। Now let's see the line height with standard. So अगर हम लोग उसको देखें तो यहाँ पे small जो class है हमारा, small class उसके अंदर ये content है, उसको जो line height दी हुई है वो 90 की है, और मतलब पहला जो content है वो नहीं, दूसरा वाला content जो है उसको, और बाद में जो big जो class है, big class मतलब ये, उसको जो height दी हुई है 200%। तो थर्ड वाले का जो हाइट होगा वो ज्यादा होगा और सेकंड वाले का जो हाइट होगा वो कम होगा। लेट्स सी क्या दिखता है आउटपुट पे। तो आप देख सकते हो थर्ड वाले का जो हाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा है और सेकंड वाले का जो हाइट है वो थोड़ा सा कम है इस कोड के अकॉर्डिंगली। तो स्मॉल लाइन हाइट 90%, बिग लाइन हाइट 200%। तो अगर समराइज करें आज के कंटेंट को, तो हम लोगों ने कलर, फॉन्ट कलर कैसे बॉडी का चेंज करते हैं, अगर पर्टिकुलर हेडिंग का चेंज करना हो तो, क्लास का चेंज करना हो तो, टेक्स्ट अलाइन करना हो, राइट सेंटर जस्टिफाई डेकोरेशंस, टेक्स्ट डेकोरेशंस, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज इंटेंट, उसके बाद लेटर स्पेसिंग डायरेक्शन, उसके लिए आरटीएल यूज करेंगे हम लोग, लाइन हाइट, word spacing. So these are the things we have seen today. I hope you have understood. If you have any doubt, you can mark in the comment. I will solve your queries. Thank you.